आज से भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देशन पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में लगभग पूरे राजस्थान से लोग कार्यालय में अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे और जनसुनवाई में मौजूद प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल के समक्ष अपनी समस्याएं पेश की। अधिकारियों की लापरवाही, जमीन विवाद, स्थानांतरण, पानी, बिजली आदि समस्याएं जनसुनवाई में विशेष तौर पर देखी गई, जिनका संबंधित अधिकारियों ने उचित जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो जनसुनवाई हुई है, क्योंकि जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, इस नाते ये लोग यहां पर आए हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यहां से अधिकारियों को निर्देशित करें, जो गांव के समस्या है, पानी की समस्या है और विशेष तौर पर रेवेन्यू की समस्याएं हमारे पास आ रही है। पिछली सरकार ने जो पट्टे जारी किए, उन पट्टों में अपने चाहितों को दूसरों की जमीन के पट्टे दे दिए, कांग्रेस के लोगों को पट्टे दे दिए, इस तरह की शिकायतें ज्यादा है। हमारा पूरा प्रयास यही है कि प्रत्येक आने वाले कार्यकर्ता को, व्यक्ति को, जनता को रिलीफ मिले और सरकार से हमने बात की है, हमारी सरकार है, निश्चित तौर पर अधिकारी बैठकर इनका निस्तारण करेंगे। जो निस्तारण में लापरवाही करेगा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि पिछली सरकार में नेताओं के इशारे पर पट्टे जारी किए, कांग्रेस के नेताओं पर इशारे पर, और उसमें 100% घोटाला कांग्रेस के नेताओं को पट्टे जारी करके किया गया, उनको लाभान्वित करने के लिए। इस तरह की शिकायतें आज अधिक आई है, सरकार के संज्ञान में दिलाएंगे और जांच करेंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहा हूं और यहां के विषय पे आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये हमारा मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बनती है और सभी नेताओं के श्रद्धा का केंद्र है ये। यहां से जो भी आदेश जाएंगे, निश्चित तौर पर सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको गंभीरता से लेकर और सख्त कार्रवाई करके उनको जनता को रिलीफ दिलाएंगे। देखिए, जिस तरह की समस्या आएंगी उस विषय में आने वाले समय में हम लोग बैठ के तय करने वाले हैं। सरकार के सभी मंत्री भी यहां पर बैठना स्टार्ट करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी बैठेंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के जो निर्देश है, हम में से कोई ना कोई पदाधिकारी प्रतिदिन यहां पर बैठकर जनसुनवाई करेगा और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगा। बिल्कुल बनाया है, जो पत्र हमारे पास आएंगे, जो शिकायतें हमारे पास आएगी, एक पदाधिकारी हमारा यहां बैठकर सभी अधिकारियों को पत्र लिखेगा। मैं साथ के साथ स्वयं बात कर रहा हूं और उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम उसका इलाज करना भी जानते हैं। जनसुनवाई में आए लोगों से जनता दरबार ने खास बातचीत करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और जाना कि भाजपा पदाधिकारियों की ओर से उन्हें क्या कुछ आश्वासन मिला। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज से जनसुनवाई शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन को बोलूंगा, यहां पर प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल और कई अन्य बीजेपी के पदाधिकारी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनसे तमाम जो उनके एप्लीकेशंस हैं वो ले रहे हैं। और उसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले गोठवाल जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिनका निस्तारण यहां से हो सकेगा उन तमाम समस्याओं का निस्तारण वो यहां से कर देंगे और जो कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल की जो भी समस्या होगी उसे संबंधित विभाग तक, संबंधित मंत्री तक पहुँचाया जाएगा और जल्द से जल्द तमाम लोगों की, जनता की जो समस्याएँ यहाँ पर आ रही है उन्हें सुलझाया जाएगा या फिर जितना हो सकता है उतना प्रयास किया जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे वो अपनी क्या कुछ समस्या लेकर आए हैं। भाई साहब, अपनी क्या समस्या लेकर आए? कई लोग हैं जो शायद बोलने से कतरा रहे हैं, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं। भाऊ जी, क्या समस्या लेकर आए हो? भाई साहब, हमारी लड़की है, इसके हस्बैंड का ट्रांसफर कर दिया 500 किलोमीटर दूर और कांग्रेस के राज में धक्के खाते खाते परेशान हो गया, नागौर कर दिया। और देखिए आप, ये देखिए कागज कांग्रेस के टाइम के, ये देखिए आप, इनके डिजायर, इसकी डिजायर दो, उसकी डिजायर दो, ये डिजायर रही साहब उदयपुर से, ये डिजायर रही, इतनी एप्लीकेशन दी लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया साहब, परेशानी कही उन लोगों ने। चार बार आज आप यहाँ पहली बार अपनी समस्या लेकर आए? उदयपुर से ही आई हूँ मैं स्पेशली जन सुनवाई के लिए। यहाँ से क्या आपको आश्वासन? वो कह रहे जुलाई में जब ट्रांसफर ओपन होंगे तब ये एप्लीकेशन वहाँ पे जाएगी आगे। तो आपने देखा कि कई प्रकार की समस्याएं लेकर यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जो एक
स्थानांतरण की जो समस्या है, इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस राज में 500 किलोमीटर दूर अपने घर से उनका ट्रांसफर कर दिया, उस ट्रांसफर को रद्द करवाने के लिए, वापस अपने गृह निवास पर करवाने के लिए यहाँ पर ही आए थे। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनकी समस्याएँ हैं जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप क्या समस्या लेकर आए? सर, JDA में हमें अपना प्लॉट को बनाने की और बेचने की कोई अनुमति नहीं दे रहे, 10 साल हो गए इस चीज़ को। बहुत हम कोशिश कर चुके हैं, जिनकी ज़मीन थी वो कैंसर से पीड़ित थी, उनकी अब डेथ भी हो चुकी है, ये उनकी बेटी है, इसी के लिए हम लोग आए हैं कि हमें JDA से कोई प्रॉपर जवाब ही नहीं देते, बस उन्होंने हमें रोक लगा रखी है 10 सालों से। अभी तक आपकी इनसे अभी बात नहीं हो पाई? बात हुई, उन्होंने कहा अभी वो कमिश्नर साहब मीटिंग में है, आधे घंटे बाद कुछ बात होगी। 84 साल की उम्र होगी मेरी। समस्या ये है कि एक शमशान 2 बीघा अलाट करवाई थी मैंने खसरा नंबर 119 के अंदर, तो उसका मामला चलते चलते ये दिलाई कर दी, मुँह बाफिया उस ज़मीन के अंदर मतलब आते टप करके कार्रवाई कर दी। कार्रवाई करने के बाद में अब झूठा मटा कह पाने इसके ले लिया, क्या ले लिया। उसके बाद मैंने कहा भाई अगर इसके ले लिया तो आप दूसरी जगह दे दो। अब दूसरी जगह भी मतलब आज कार्रवाई चलती, मैं खुद मुख्यमंत्री से मिल के गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अन्य वो शमशान बन रहा मतलब आज है। अब रफीका ने MLA था, फिर MLA कहा कि भाई पैसे भी मतलब आते सेंक्शन करवा दिए शमशान के, लेकिन क्या मालूम किस तरह से क्यों रुक रहे हैं मतलब आते। अब मेरे 84 साल की उम्र होगी, मेरी हालत नहीं है मतलब रोड़ने की, अगर ये बन जाए तो मतलब आते भला हो जाए, दुनिया का उद्धार हो जाए मतलब आते। कि मेरा रिलायंस कम्युनिकेशन में 2019 से पैसा बकाया चल रहा है, उस पैसे बकाए के लिए मैं कंपनी वाले को भी बता चुका हूँ और जो सेंट्रल हेड है उनको भी बता चुका हूँ, जिला कलेक्टर साहब को, श्रम विभाग को, सबको भी मैं शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन मेरा समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और रिलायंस कम्युनिकेशन वाले को मैं कंटिन्यू मेल भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो 28.25 लाख रुपये है उसका वो देने का नाम नहीं है, जबकि कई सारी जो कंपनियाँ हैं उनका जब सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश निकाला था जेल जाने के लिए, जब उनको बोला तो उनका पैसा उन्होंने तुरंत 24 घंटे के अंदर उन लोगों को तो दे दिया, लेकिन जो हम गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उनके साथ ये नाइंसाफी कर रहे हैं। तो मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कि मेरी समस्या का समाधान हो। दूसरी समस्या मेरी ये है, मेरा एक ऑफिस है न्यू मार्केट कासागोटी में, जिसमें आम रास्ता बंद कर रखा है, मेरे को 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से साले पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, निगम वाले में जा चुका हूँ, निगम वाले भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जाता हूँ कार्रवाई चल रही है कार्रवाई, जबकि एक आम रास्ता है उसमें दीवार खींच दी रातों रात होली के दिन, लेकिन मैं कार्रवाई के लिए कंटिन्यू उनके पास जाता हूँ लेकिन मेरे को वो टरका देते हैं। मेरा नाम महेश शर्मा है और कासागोटी में मेरा ऑफिस है और निगम वाले मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, मैं जनसुनवाई में आया हूं और मुझे पूरी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं निगम वाले, उनके खिलाफ शीघ्र ये कार्रवाई करेंगे। ऐसे में हमारे साथ में ये लोग कुछ मौजूद हैं, 3rd ग्रेड शिक्षक हैं ये, इनसे जानना चाहेंगे इनकी क्या कुछ समस्या है जिसे लेकर ये यहाँ पर आए हैं। आपको बता दें कि अंदर संबंधित व्यक्ति से मिलकर भी आए थे और इन्हें मिला है अगर तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, जो पिछले 5 साल से इन्हें मिलता आ रहा है, क्या कहना चाहिए? सर, ये 3rd ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफ़र का मुद्दा है। 2018 में भाजपा सरकार करी थी, पिछली सरकार बिल्कुल भी एक ट्रांसफ़र भी नहीं करी। अभी सरकार आती है 100 दिवसीय कार्य योजना में उन्होंने ट्रांसफ़र का मुद्दा शामिल किया था, लेकिन उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ। आज हम अंदर मिलकर आए हैं लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, एक एप्लीकेशन ली है। तो सरकार से हमारी मांग है, राजस्थान का सबसे बड़ा कर्मचारी वर्ग है 3rd ग्रेड टीचर, जो व्यथित है पिछले 5 वर्षों से, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी न्याय प्रदान करने की कृपा करें, ऐसी भाजपा सरकार से हमारी आशा है। आप कई मर्तबा आप शहीद स्मारक पे आप धरना भी दे चुके हो, 20-20 दिन का, 25-25 दिन का, महीने भर का अनशन भी आप कर चुके हो, वहाँ से जब आप उठे थे भले पिछली सरकार के समय में या इस सरकार के समय में, तो क्या आश्वासन लेकर उठे थे? आश्वासन पॉलिसी का मिलता है कि पॉलिसी बनाएंगे हम, 5 साल तक तो वो सरकार नहीं बना पाई, अब यह सरकार की शुरुआत है। हम आशा करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी पॉलिसी से करें या बिना पॉलिसी करें, लेकिन कुछ कोई मिले, लेकिन कुछ को तो राहत मिले। बड़ा वर्ग आना चाहता अपने ज़िले के अंदर, बड़े वर्ग को नहीं ला सकते हो तो कुछ संख्या में लेके आओ, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 को लेकर आओ, लेकिन शुरुआत तो करो। इतने क्या, क्या क्या लगता है आपको, भले ही सरकारी तंत्र के हिसाब से, प्रशासनिक तंत्र के हिसाब से, कि पेच कहाँ पे अटका हुआ है? अभी तक तो ये लगता है कि इस नाम के ऊपर, जैसे ये नाम लेते हैं तो पिछली सरकार भी मौन हो जाती थी और ये सरकार भी मौन हो रही है।
अब इसमें क्या प्रॉब्लम है इनको समझ में नहीं आ रही। नई जो भर्ती है इसका एक संपूर्ण समाधान हो सकता है कि जो नई भर्ती है उसके पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट जो है वो सीमावर्ती जिलों में कर दी जाए, तो यहाँ पद खाली रहेंगे। अब ये लोग नई भर्ती को सीधा जयपुर ज़िले में और जयपुर के आसपास के जो ज़िले वहाँ ला के डाल देते हैं नए लड़कों को, तो फिर पुराने को यहाँ आने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो इसका स्थायी समाधान ऐसे हो सकता है, या फिर एक सिस्टम बनाया जाए कि वे 5 साल 10 साल के अंदर इधर आ जाएंगे हम लोग, तो वो अभी कर नहीं पा रही सरकार। हमारी तो यही इच्छा है कि सरकार करे, इस पर त्वरित गति से करे। अब एक परंपरा भी है इसके अंदर कि जो भी सरकार आई, जैसे पिछली तो करी नहीं, इससे पहले वाली लास्ट साल के अंदर करती है, जब सरकार जाती है जब चुनावी साल के अंदर। तो राजस्थान का तृतीय श्रेणी शिक्षक यह चाहता है कि उसे अगर राहत देना चाहते हो आप और कोई फायदा लेना चाहते हो थर्ड ग्रेड टीचर से, तो शुरुआती सालों में दो, अंतिम सालों में अगर आप दोगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। धन्यवाद। अभी सीएस साहब, सीएस मोदी की कमेटी बनाई है अभी सरकार ने, 100 दिन के एजेंडा है उसके अंदर इसको लिया गया है थर्ड ग्रेड को, तो न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी हमने देख लिया कि भाई अब की बार नीति बनेगी, पॉलिसी बन रही है, लेकिन बार बार ये जमूला चलता रहता है। इसलिए हम अभी मिलने आए प्रदेश कार्यालय में और हमारे को आश्वासन दिया है, हम ये चाहते हैं कि थर्ड ग्रेड की ट्रांसफर है वो जल्दी से जल्दी सरकार खोले। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से श्री राम जी अयोध्या आ चुके हैं, लेकिन जो 15-20 सालों से जो टीचर्स पढ़े हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, वो भी अपनी जगह पर नहीं आ पाए हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट में श्री राम जी को अयोध्या मिला है, तो कम से कम हम लोग जो दूर दराज में सेवाएँ दे रहे हैं, कई लोग तो बूढ़े हो गए रिटायरमेंट के करीब हैं, उनको भी कम से कम अपना घर आना चाहिए, ट्रांसफ़र थर्ड ग्रेड के होने चाहिए। क्या बेरी है कि थर्ड ग्रेड टीचर्स ट्रांसफ़र से 2018 में हुए, उसके बाद जो लोग चूक गए वो आज तक तड़पते रह गए, और पिछली सरकार में काफ़ी संघर्ष किया लोगों ने, धरना प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि शिक्षक बहनें जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर शहीद स्मारक पर आती है और उनके जो आंसुओं से जो टपकता है वो दर्द टपकता है, उनके परिवार की पीड़ा टपकती है, लेकिन उनके बारे में कभी सोचा नहीं जाता है। अभी सुबह हमने देखा कुछ दृष्टिवादी टीचर्स थे जिनको दिखाई नहीं देता, वो भी दूर दराज बीकानेर और जैसलमेर पोस्टेड हैं, वो भी बेचारे सुबह अपनी व्यथा के लिए CMR में आए थे, और यही दरख्वास्त है हमारी कि बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, 100 दिनों की कार्य योजना में थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर का इन्होंने घोषणा करी थी, तो उम्मीद है कि ये जल्दी ट्रांसफर खोले और को राहत मिले। दूसरी हमारी जो दूसरी बड़ी मांग है वह है राजस्थान में वाइस प्रिंसिपल के 50% पदों पर सीधी भर्ती की मांग है, जो कि पहले चला करती थी HM की सीधी भर्ती हुआ करती थी, जिससे एक थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, लेक्चर एग्जाम देके वो 5400 ग्रेड पेपर पहुंच जाया करता था, लेकिन विगत सरकार ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया और सीधे ही पदोन्नति के माध्यम से उस व्यवस्था को रखा है, जिससे 100% जो सारा का सारा लाभ है मात्र एक केडर बेस्ड संगठन केवल लेक्चर्स को मिला है, उसमें ना तो थर्ड ग्रेड टीचर्स को मिला है ना सेकंड ग्रेड टीचर्स को मिला है। अगर वो व्यवस्था वापस से होती है, जैसे देवनानी जी ने पिछली बार भी कहा था, उनका एक बयान काफ़ी चर्चित रहा था कि प्रिंसिपल के भी मैं 25% पद सीधी भर्ती से करना चाहता हूँ, तो वो एक बहुत ही स्वागत योग्य उनका निर्णय था, अगर सरकार ये वापस से करती है तो युवा टीचर्स के लिए बहुत फायदा होगा और वो जीवन में आगे बढ़ेंगे और लोगों को मोटिवेट वो कर सकता है। थैंक यू। तो आपने देखा ये थर्ड ग्रेड शिक्षकों की ये जो डिमांड है, जो कि पिछली सरकार से ये लगातार प्रशासन के आगे, सरकारी तंत्र के आगे उठाते आ रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर अभी तक कोई हम कह सकते हैं कि ठोस कदम नहीं उठाया गया। पिछली सरकार ने भी इन्हें आश्वासन ज़रूर दिया था, लेकिन वो आश्वासन कागजों में नहीं आ पाया, और अब इस सरकार से इनकी यही उम्मीद है कि 500 सालों के बाद में जब रामलला को आप अयोध्या में उनका समुचित स्थान आप दे चुके हो, तो फिर हम जो 14-15 साल से हम अपने अपने घरों से बाहर हैं, हमारी व्यथा भी सुने और हमें भी हमारे समुचित स्थान पर पहुँचे। अब देखने वाली बात ही होगी कि यहाँ से आश्वासन तो इन्हें मिल चुका है, अब ये आश्वासन ऑर्डर में कब तब्दील होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।